Good morning to all the students. Today we are going to start the next topic of the chapter number 7 and it is AC generator. Okay, so the name of the chapter is also AC, the alternating current. So in this topic you will learn about how the alternating current is generated and on what principle does this generator works. Okay, this AC generator is basically transformation of the energy from mechanical to the electrical. Clear? Means we convert the energy from mechanical type to the electric type, and it works on the principle of the electromagnetic induction. हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 6 में एक टॉपिक किया था, द मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ. And in that topic we discuss the third method, that when we rotate a coil inside the magnetic field, then the induced EMF generated in it in the alternating manner. Okay, sinusoidal हमने EMF को induced किया था. So AC generator also works on the same principle. मैंने वहाँ पे भी बताया था कि this derivation जो हम वहाँ कर रहे थे, that derivation is as it is used in case of the AC generator. Clear? तो यहाँ हम उसको again उस derivation को करेंगे along with the some discussion about the AC generator. So AC generator is basically the device or the dynamo भी इसको हम बोलते हैं, which is used to convert the mechanical energy. Means we rotate that particular coil or armature inside the magnetic field. Okay, so that's why we convert the mechanical energy into the electric one, and it works on the principle of the electromagnetic induction. So look here, in this diagram, this N and S are the two poles of two different magnets. Ek magnet yahan rakhi hai humne, jiska north pole facing the south pole of the another magnet. Clear? So a uniform magnetic field B will generate it in this direction. Clear? The magnetic field will be generated in this direction, and let this magnetic field is B from north to south. An armature which consists of a rectangular coils of very large number. बहुत सारी कॉइल्स हम यहाँ पर लेते हैं, यानी वायर को हम टर्न करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, एंड दिस इज कॉल्ड द आर्मेचर. इसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज द आर्मेचर. एंड दिस आर्मेचर इज रोटेटेड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जस्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इस मैग्नेटिक फील्ड में ये आर्मेचर को हम रोटेट करते हैं. देखो जैसे यहाँ पर एक रोटेशन का साइन मैंने बनाया, तो दिस इज रोटेटेड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस वन इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन. क्लियर? अब 3D व्यू है तो वो एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं दिख रहा है एंगल, बट इट इज 90 डिग्री. क्लियर? नाउ द एंड्स ऑफ द दिस कॉइल और आर्मेचर, इसके जो दो एंड्स वायर होते हैं, दे आर कनेक्टेड टू द स्लिप रिंग्स S1 एंड S2. S1 एंड S2 स्लिप रिंग्स जो हैं, दे आर फिक्स्ड विद द एंड, एंड दे आल्सो रोटेटेड अलोंग विद द रोटेशन ऑफ दिस आर्मेचर. क्लियर? दो रिंग्स होती है, दे आर मेड अप ऑफ ब्रास की बनी हुई दो रिंग्स होती हैं, ओके, स्मॉल साइज की. और इन्हीं रिंग्स, ये रिंग्स के साथ, देखो ये वाला एंड जो है ना, यहाँ इस रिंग के साथ अटैच्ड है. तो जब ये रोटेट होगा आर्मेचर, तो ये रिंग भी रोटेट होगी, और ये रिंग रोटेट होगी तो उस सिचुएशन में इसके साथ अटैच जो ब्रश है, दैट इज B1, ये ब्रश को वो जो EMF इंड्यूस्ड हुआ इसमें ऑल्टरनेटिंग EMF, वो इस स्लिप रिंग से ब्रश के थ्रू लोड तक पहुंच जाता है. ओके, सो अ वोल्टेज विल बी डेवलप्ड. सिमिलरली द सेकेंड स्लिप रिंग S2 इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द सेकेंड एंड ऑफ द वायर, एंड दिस शोज द कनेक्शन. तो ये भी उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है. S1 एंड S2 बोथ विल बी रोटेटेड अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्लियर? जैसे यहां पर अगेन मैंने शो किया एक्सिस ऑफ रोटेशन को. So S1, S2, they are fixed with the end, and fixed means end के साथ जुड़ी हुई है. They are connected with the ends of the armature,
एंड रोटेटेड अबाउट द सेम एक्सिस और कॉमन एक्सिस अलोंग विद द आर्मेचर. D1, D2 कार्बन ब्रशेस, दे आर मेड बाय द कार्बन. जैसे स्लिप डिस्क को मैंने कहा था ब्रास से बने हैं और वैसे ही V1, B2 आर मेड बाय द कार्बन. तो दीज कार्बन ब्रशेस प्रोवाइड्स एन कनेक्शन बिटवीन द EMF इंड्यूस टू द आर्मेचर एंड टू द लोड कनेक्टेड. मीन्स यहाँ जो EMF इंड्यूस होगा उसको लोड तक पहुँचाने का जो काम करेगा वो ब्रश करेगा. क्लियर? ये क्या होता है, ब्रश इस तरह से कनेक्टेड होता है. स्लिप डिस्क घूमती है तो इसके साथ में एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और उस फ्रिक्शन के थ्रू ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को आगे लोड तक सप्लाई करता है. क्लियर? सो दिस इज मेन जो है यहाँ पर कि इसकी वर्किंग कि कैसे केवल इसको रोटेट करने पर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, वो पॉइंट हमें डिस्कस करना है इसकी वर्किंग के अंदर. क्लियर? सो व्हेन वी रोटेट दिस कॉइल, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दैट दिस इज द आर्मेचर, है ना, मेरे पास में जो ये है इसको मैं आर्मेचर कहूँ. रेक्टेंगुलर कॉइल है, लूप है एक सिंगल, और इसको अगर मैं ऐसे सपोज यहाँ है नॉर्थ पोल है और इस तरफ साउथ पोल है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में. दिस इज द डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन. सो मैक्सिमम फ्लक्स, अभी यहाँ थीटा कितना है, जीरो. थीटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड थीटा इज द डायरेक्शन एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस एरिया वेक्टर, है ना, एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो थीटा इज हेयर जीरो, और जब थीटा जीरो होगा तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स मैक्सिमम होगा. मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन्स इसमें से पास हो रही है. बट व्हेन वी चेंज दिस एंगल फ्रॉम जीरो टू 90, देन व्हाट हैपन, द फ्लक्स विल बिकम जीरो. फ्लक्स मैक्सिमम से जीरो डिक्रीज होता है, डिक्रीज होते होते जीरो हो जाता है. क्यों हो गया जीरो, क्योंकि यहाँ एंगल थीटा 90 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, एरिया वेक्टर इधर है, परपेंडिकुलर इनवर्ट. तो एरिया वेक्टर और इसमें 90 डिग्री और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट ए एंड इट इज बी ए कॉस थीटा, इट इज बी ए कॉस थीटा. So as the theta changes, the magnetic flux will change, and as the magnetic flux changes, then the EMF will be induced in the armature coil. That is given by the law of EMI. This is E equals to minus d phi b by dt. अभी ये single turn के लिए अगर suppose n turns हैं तो we use n here, है ना, यहाँ भी हम इसमें n use लेंगे, n b a cos theta. So at this situation theta becomes 90, so the flux becomes 0. तो यहाँ से यहाँ flux 0 से 90 आने पर flux maximum से 0 हो गया. Again if we rotate in this direction, तो now the theta will become 180. Magnetic field there, okay, right hand side में, और जो magnet area vector है वो इस मेरी तरफ है, left hand side में. So theta become 180 and here also the flux becomes maximum. लेकिन इस बार जो इसमें current induced होगी वो current opposite direction में होगी, यानी उसकी polarity अगर इधर positive है तो इस direction में negative आएगी. इसीलिए alternating voltage यहाँ produce होता है, first positive then negative. Similarly when we rotate this from 180 to 270, then theta b here and this area vector here and cos 270 is again zero, so the flux again becomes zero. So for one complete rotation from 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, the flux becomes maximum to zero, zero to maximum in opposite direction, then again maximum to zero and zero to maximum. Clear? And since the flux is changing with time, so EMF will be induced. Okay? और उसी induced EMF को हम E से लिखेंगे. तो simple सा derivation है, just इसमें value put करो, cos theta का differentiation sin theta हो जाएगा, और theta को भी हम कैसे लिख लेंगे, omega t की term. Clear? Omega अगर angular velocity है इसके rotation की, तो omega की term, omega होता है theta upon t.
सो थीटा विल बी ओमेगा इंटू टी। सो ओमेगा की टर्म में लिखेंगे तो डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी विल बी द एक्सप्रेशन, और मैक्सिमम ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा दैट इज एन बी ए ओमेगा, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द चैप्टर नंबर 6, क्लियर? बट अगेन वी विल डिराइव द सेम एक्सप्रेशन हियर। सो इन द लास्ट वी विल डिस्कस दैट वॉट आर द डिफरेंट वेज ऑफ रोटेटिंग दिस आर्मेचर। अलग अलग जो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंट सिस्टम्स यूज लेते हैं, और एसी को प्रोड्यूस करना या एसी को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वाई इट इज ईजी कंपेरेटिव टू द डीसी। यानी हम एसी को ही क्यों सप्लाई करते हैं, डीसी को क्यों नहीं करते हैं। मैंने जो शीट प्रोवाइड की थी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर द डीसी, तो उसको हम यहाँ पर लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। द एसी जनरेटर और डायनेमो इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज टू ट्रांसफॉर्म मैकेनिकल एनर्जी into electric energy, okay? तो mechanical energy को यानी rotate जो हम करेंगे इसको externally, उससे electric energy यहाँ पर produce होगी। और ये जो electric energy भी है वो किस form में होगी, in form of alternating voltage or current. और करंट, ठीक है? जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो भी ऑल्टरनेटिंग वे में चेंज होगी और साइनोसॉइडल वेरिएशन उस एनर्जी का प्रोड्यूस होगा, ओके? इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ EMI, वी नो व्हाट इज द EMI, चैप्टर का नेम है 6 चैप्टर का। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू विच EMF इंड्यूसेस इन कंडक्टर व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इन कंडक्टिंग लूप कर लो इन कंडक्टिंग लूप व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट चेंजेस विद टाइम। क्लियर? So this is the principle of EMI, that how the EMF induces when the magnetic flux associated with a conducting loop changes with time. So that is the phenomena of EMI on which this AC generator usually works. Okay. So take the screenshot. Now the construction. It consists of two horseshoe magnets. Why we take horseshoe magnet? To produce a strong magnetic field. Okay, so it consists of two horseshoe magnets whose opposite poles facing each other. This arrangement produce
अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द मैग्नेट्स, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म भी ले सकते हैं हम इसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड करेगा प्रोड्यूस. ओके, सो स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द मैग्नेट्स. ओके, तो वहां पर हमने पैरेलल इक्विडिस्टेंस लाइन को शो किया. आर्मेचर विच कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल with large number of turns allowed to rotate in magnetic field with axis perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड. ओके, दैट मीन्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस आर्मेचर है ना, आर्मेचर की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? एंड दिस आर्मेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एस हियर. एंड इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल होगी जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे. नाउ वी टॉक अबाउट द स्लिप रिंग्स. टू स्लिप रिंग्स S1 एंड S2 आर कनेक्टेड एट एंड्स ऑफ कॉइल वायर. यानी ये जो कॉइल का जो वायर है ना, उसके जो दो एंड्स होंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था उसको टर्न करना अराउंड दिस आर्मेचर और रेक्टेंगुलर लूप में, और सेकेंड जहां वो टर्न्स कंप्लीट हो गए, तो उन्हीं टर्न्स के जो एंड्स हैं है ना, एंड है जो वायर का जो एंड है उन्हीं एंड से कनेक्टेड होते हैं ये स्लिप रिंग्स S1 एंड S2. इसका नेम ध्यान रखना, द स्लिप रिंग्स S1 एंड S2 आर कनेक्टेड एट एंड्स ऑफ द कॉइल वायर. They also rotates with armature. They also rotates with armature with common axis of rotation. यानी इसकी भी जो axis of rotation होती है वो same होती है. देखो इसलिए एक्सिस ऑफ रोटेशन को इसमें से पास किया है. दिस डैश लाइन जो यहाँ शो हो रही है दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो द आर्मेचर दिस रिंग्स आर आल्सो रोटेट अबाउट दिस आर्मेचर. इसके साथ अटैच्ड है ना, फिक्स्ड है इस एंड के साथ में, आर्मेचर के एंड के साथ में, और आर्मेचर रोटेट होगा तो ये स्लिप रिंग्स भी साथ साथ में रोटेट होगी. मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था तुम्हारे साथ में, कल मैंने ग्रुप में वीडियो शेयर किया था. मैंने कहा था एनिमेटेड थ्री डायमेंशनल फॉर्म वेरियस कलर्स के साथ उसमें देखना, तो वो ज़्यादा जल्दी हमें समझ में आता है और माइंड में उसकी इमेज जल्दी बन जाती है. सो यहाँ तो हम टू डायमेंशनल डायग्राम ले रहे हैं विद सेम कलर चॉक, बट उसमें हम देखें तो एक बार वापस मैं पढ़ा दूँ, उसके बाद में अगर नहीं देखा है तो जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो. 7 to 8 मिनट का वीडियो है, लेकिन उसमें सारा उसका प्रोसीजर थ्री डायमेंशनल व्यू से एंगल रोटेट करके चेंज करके एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करके शो किया हुआ उसमें. क्लियर? सो उसको एक बार देखना आफ्टर दिस वीडियो और आफ्टर दिस लेक्चर. सो दिस इज विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ में ये दोनों स्लिप रिंग्स रोटेट होती है. सो टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट. देन नाउ वी टॉक अबाउट द ब्रशेस B1 एंड B2. The brushes
D1 and D2 are connected with S1 and S2 respectively, they provide the transfer of induced EMF or current from rings to load. ये क्या करते हैं एक्चुअल में, जो इंड्यूस ईएमएफ और करंट रिंग्स में प्रोड्यूस हो रही है, रिंग्स में जो है वो लोड तक ट्रांसफर करने का काम करेगा. ओके, तो ये जो कार्बन ब्रशेस है, दे आर मेड बाय कार्बन. तो कार्बन ब्रशेस यहाँ जो, या यूं कह दो कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हुआ, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल दिस आर्मेचर से लोड में ब्रशेस से या ब्रशेस के थ्रू ट्रांसफर होता है. ओके, from rings to load, that is it, they transfer electric energy from armature to load. Okay, from armature to load the electric energy is transferred by these brushes B1 and B2. Clear? So this is the use of, एक और चीज नोट कर लेना, S1 and S2 are made by the brass. ये brass rings होती है, और ये B1 and B2 जो है they are made by the carbon. They are made by the carbon brushes. ठीक है, तो carbon brushes and the slip rings are brass rings. Okay. Working of this AC generator, when the armature rotates in the magnetic field or in the uniform magnetic field, then the flux associated with this area of the armature changes with time, and we will write the expression of the flux and the force will act. अगर हम force लगा रहे armature पर या armature के wire पर, तो उस सिचुएशन में जो करंट इंड्यूस्ड होगी उसकी डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हेल्प से प्रोवाइड कर सकते हैं. अच्छा, जो अभी मैंने इस डायग्राम में बनाया था ना, ये आर्मेचर था. ओके, दिस आर्मेचर एंड इट इज रोटेटेड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. दिस वॉज द आर्मेचर. इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह से शो कर लेनी. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर वन साइकिल, सॉरी फॉर हाफ साइकिल, और रिमेनिंग हाफ साइकिल में ये चेंज हो जाएगी. तो अगर नहीं भी शो करो तो चलेगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रही है, और ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली डायरेक्शन वाइज चेंज होती है. फॉर हाफ साइकिल इट इज वन डायरेक्शन, फॉर रिमेनिंग हाफ साइकिल इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये जो करंट की डायरेक्शन है, दैट कैन बी फाइंड यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. है ना, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे हमने मोशनल ईएमएफ में करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया था. इंड्यूस्ड करंट की जब डायरेक्शन फाइंड की जाती है, देन वी यूज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और उसमें हम इन तीनों को इस तरह से रखते हैं. तो वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑल्सो इन दिस वर्किंग ऑफ दिस एसी जनरेटर. ओके, so no need to draw the direction, because direction will not remain same. Clear? Direction will not remain same in case of the AC generator. So when the armature rotates in uniform magnetic field B, then the flux associated with it is given by, flux का क्या formula है basic, phi B is equals to B N B A, N B A cos theta.
और सिंपली वी कैन से एन बी डॉट ए, है ना, एन बी डॉट ए, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर. थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. हियर एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन आर्मेचर, ए इज द एरिया ऑफ आर्मेचर, B is the magnetic field and theta is angle between A and B. यानी area और magnetic field के बीच में जो angle है that is theta. So when we rotate theta changes. B remains constant, A remains constant. Only theta is changing and also constant. Clear? So if omega is angular velocity of rotation, okay, और angular frequency of rotation भी इसको कह सकते हैं हम, then this theta can be written as omega t at any instant t. किसी भी instant t पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इट इज ओमेगा टी. सो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा हियर, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी, देयरफॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी विल बी व्हाट, इट इज एन बी ए कॉस ओमेगा टी. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. क्लियर? सो नो डाउट अप टू दिस वन इक्वेशन. सो नाउ the EMF induced due to rotation of armature is given by E equals to minus d phi b by dt. Okay, this is according to the laws of EMI. लॉज ऑफ ईएमआई में हमने ईएमएफ को लिखा था माइनस डी फाइव बी बाई डी टी. फाइव बी की वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करें यूजिंग इक्वेशन वन, देन इट विल बी डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए कॉस ओमेगा टी. टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसलिए हमने थीटा को टी की टर्म में चेंज किया है ना. टाइम के रेस्पेक्ट में होता है ये डिफ्रेंशिएशन फ्लक्स का. सो दैट्स व्हाई वी चेंजेस द theta in terms of time t. So now dekho, when we rotate then with the time n will remain constant, number of turns hai armature ke wo change nahi honge, magnetic field remains constant, area of the armature will also remains constant. So they can be taken out from the differentiation sign and this EMF E will be what, it is minus n b a, negative sign is still there, and d by dt of cos omega t. Now what is the differentiation of cos omega t? It will be minus omega sin omega t. है ना, differentiate जब करेंगे cos ax को हम जब x के respect में differentiate करते हैं तो उसका formula क्या आता है, minus a sin ax. तो same way में if we differentiate this cos omega t, so it is equals to minus nba minus omega sin omega t. So minus minus sin will cancel out and it will become nba omega sin omega t. And this nba omega, this whole is the coefficient of sin and it will be constant. And plus we can say this is the maximum value of emf. जैसे हमने एसी में हर जगह ईएमएफ की इक्वेशन को क्या लिखा था, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. तो साइन का जो कोफिशिएंट होता है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है. सो द सेम वे वी विल से दैट दिस एनबीए ओमेगा विल बी द ई नॉट. सो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. क्लियर? And this is the induced EMF.
which is produced inside the AC generator, where E naught is the maximum NBA omega and it is the maximum EMF induced. Clear? It is the maximum EMF induced, or we can say peak value or amplitude of peak value or amplitude of amplitude of EMF. ये EMF की peak value या amplitude को represent करता है. And remember, in this situation, this E naught will be there when theta is 0, or when theta is 180, then it will be minus E naught. So if we talk about the different at the different angles, at omega t equals to theta equals to 0, E will be equals to E naught. At omega t equals to theta equals to 90, then E will be 0. Sine, okay, just wait. 0 lenge, then it will be 0. EMF will be 0 at theta equals to 0. And theta equals to 90, it will be 1 and it will be minus E naught only. Flux hota hai, hai na? Flux ki value maximum hoti hai. Yahan EMF le rahe jisme sin omega t hai. So when the omega t is 0, then sin theta is 0, or sin 0 will be 0, E will be 0. Similarly, when omega t is 90 degree, then sin 90 will be 1 and the E will be equals to E naught. Next, at omega t equals to theta equals to 180 degree. ठीक है, 180 डिग्री पर E कितना हो जाएगा, अगेन sin pi is again 0. Clear? Sin pi और sin 180 की वैल्यू 0 होती है. And the next one, at omega t equals to theta equals to 270, then E will be equals to minus of E naught. Sin 270 is minus 1. So if we draw the curve theta or omega t versus this E, theta or omega t versus E, then the curve will be with E. तो दे जीरो पे जीरो आ रहा है, और इस तरह का इसका वेरिएशन होगा, एंड सो ऑन. क्लियर? सो दिस इज एंगल जीरो, दिस इज एंगल पाई बाई टू, दिस इज एंगल पाई, दिस इज एंगल थ्री पाई बाई टू, एंड दिस वन इज टू पाई. क्लियर? सो फॉर वन कंप्लीट साइकिल 0 टू 2 पाई, यानी 360 डिग्री रोटेशन अगर हम कर दें, तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल द वन फ्रॉम 0 टू पाई इट विल बी पॉजिटिव, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज एंड देन अगेन इट विल बी नेगेटिव फॉर द रिमेनिंग हाफ साइकिल. एक और पॉइंट यहां पर मैं लिख देता हूं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी find by Fleming's right hand rule. Clear? जो हमने emotional EMF में induced current की direction को जैसे find किया था, वैसे ही हम यहां पर भी induced current की direction जो armature में है उसको हम find कर सकते हैं. But ये current भी हर half cycle के बाद अपनी direction change करेगी. क्लियर? तो वो वीडियो देखना एनिमेटेड, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे गैल्वेनोमीटर उसमें कनेक्ट किया है, और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है वो जीरो के अबाउट ऐसे फ्लक्चुएट करती. तो एक बार करंट एक डायरेक्शन में सपोज क्लॉकवाइज है, तो सेकंड में वो एंटी क्लॉकवाइज जाती. ओके, तो इस वे में इसके ऑल्टरनेटिंग करंट्स के वेरिएशंस होते हैं जो साइनोसॉइडल नेचर के. क्लियर? सो टेक द स्क्रीनशॉट. Okay, now we will discuss the three types of the power stations in which this alternating EMF or alternating current is generated. So the three type of power stations are the hydroelectric power station, second thermal power plant, and the third one is the nuclear power plant. Okay, so in the hydroelectric power station, the water is stored. Hydro का मतलब fluid से और water से होता है ना. So the water is stored at certain height in the dam,
एंड इट अलाउज टू फ्लो ऑन द टर्बाइन विच इज एट द ग्राउंड. Clear? So the kinetic energy gained by the water during this fall from certain height to the ground, that kinetic energy is used to rotate the turbines, and these turbines are connected with the armature. So when the turbine rotates, then the armature also rotates, and this produces the electric energy. Clear? Similarly, in case of the thermal and nuclear power plant, we boil the water or certain oil, and the steam produced by the water is used to rotate the turbine. तो अगर थर्मल पावर प्लांट है तो हम उसमें थर्मल एनर्जी यानी कोल को बर्न करते हैं. वी बर्न द कोल एंड विद दिस हीट एनर्जी वी बॉइल द वाटर एंड द स्टीम प्रोड्यूस्ड बाय वाटर इज यूज्ड टू रोटेट द टर्बाइन्स ओके विच आर कनेक्टेड टू द आर्मेचर. एंड इन केस ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट द न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द कोल. Okay, so with the help of nuclear energy, we are produce or the heat, and the heat is used to boil the water, and the steam of water used to rotate the turbine. Okay, so these are the three type of the power station in which the main purpose is to rotate the turbine, and the turbine is connected. Turbine भी एक fan जैसे होती है, उसकी blades थोड़ी angle पर रहती है, blades जो है. तो वो जब रोटेट उस पर वाटरफॉल होगा या स्टीम फॉल होगी तो उसको रोटेट कराएगी. तो वो जब रोटेट होगा तो वो आर्मेचर से कनेक्टेड है. ये जो आर्मेचर का भी वो पॉइंट जिसको हम रोटेट करते हैं है ना, होल्ड करके, उसको शाफ्ट कहा जाता है, SHAFT. तो उस शाफ्ट के साथ में उस आर्मेचर को कनेक्ट कर दिया, उसको टर्बाइन को कनेक्ट कर देते हैं. और जब टर्बाइन उस शाफ्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगी देन इट विल रोटेट दैट आर्मेचर एज वेल. Clear? So write down three type of the power station, the types of power station, the first one is hydroelectric power plant. जल्दी से लिख लो इसमें, द वॉटर इज स्टोर्ड एट सर्टेन हाइट इन डैम एंड इट इज अलाउड टू फ्लो at ground and fall on turbine. Okay, fall on turbine. These turbine, yeah, this turbine connected with this turbine connected with आर्मेचर, शाफ्ट ऑफ द आर्मेचर, शाफ्ट ऑफ आर्मेचर. सो व्हेन वॉटर फॉल्स देन इट्स काइनेटिक एनर्जी, किसकी काइनेटिक एनर्जी, वॉटर की काइनेटिक एनर्जी. सो देन इट्स काइनेटिक एनर्जी रोटेट्स द turbine and hence rotates the turbine and hence armature also rotate which induces EMF in the load, which induces या which generates AC. ठीक है, ये क्या करेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करेगा. क्लियर? नाउ सेकेंड वन इज थर्मल पावर प्लांट. सो इन दिस थर्मल पावर प्लांट वी बर्न द कोल एंड विद द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कोल
we produce the boiling of water, we boil the water and the steam of the water used to rotate the turbine. Okay, so here the water is boiled by burning the coal. Okay, water is boiled by burning the coal, and the steam of water allowed to fall on किस पर fall करेगा वो turbine पर fall on turbine which rotates the armature. Okay, so this is the case of the thermal power plant. This one is the hydroelectric power plant and the third one, इसको power station भी कह सकते हो, okay, power plant की जगह. And the third one will be the nuclear power plant. So same, केवल यहाँ जो coal use लेते हैं वहाँ पर nuclear energy is used to boil the water, clear? And the steam of the water will allow to fall on the turbine, clear? So write down the third one, which is the nuclear power plant. And in this nuclear power plant, what will happen? In nuclear power plant, the nuclear energy will use to boil the water whose steam rotates the turbine. Clear? So note down all these things.